तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे, अनलॉक टूल ने बहुत ही ज़बरदस्त एक अपडेट दिया है। अपडेट क्या दिया है, आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को सारे डिटेल दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपडेट आपको आ चुका है, ये अपडेट आया आपको कल आया था, ये अपडेट कल आ चुका है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें अपडेट क्या क्या, हवाई का अपडेट है, हवाई फ़ोन का कुछ अपडेट मिलेगा इसमें आपको काफ़ी सारा। तो फ्रेंड देखिए, इस पर देख पा रहे हो, हवाई का अपडेट है, ये सारा मॉडल है, इन्होंने अपडेट दिया है। इसमें आपका फैक्ट्री रिसेट FRP जो भी है वो आप निकल पाओगी। उसके बाद दूसरा अपडेट देखिए, इसमें नोकिया का भी कुछ मॉडल इसमें ऐड किया गया, फैक्ट्री रिसेट आप कर पाओगी। और जो खास अपडेट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फ्रेंड, जो आप लोगों को खास अपडेट मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, अपडेट वाला ए है, ये देख पा रहे हो। अभी आपको EMMC का हेल्थ चेक करना है, चाहे वो EMMC हो चाहे वो EFS हो, तो आपको हेल्थ चेक करना है। आपको EFI बॉक्स इस डेटा का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेल्थ चेक करना है, तो आपको इस टूल से करने को मिल जाएगा। ये अपडेट पहले भी एक टूल में आया था, फ्री टूल में, अभी अनलॉक टूल ने अपडेट दिया है। तो ये अपडेट बहुत ही बढ़िया अपडेट है। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कोई फ़ोन आएगा, आपको चेक करना है हेल्थ उसका, हैंग ऑन लोगों पर है, तो आप इस टूल से चेक कर पाओगी। बहुत ही आसान है चेक करने के लिए। और इसका नेक्स्ट अपडेट आपको सैमसंग का अपडेट तो पहले से ही है, लेकिन इसमें आपको अभी 13 आप तक इससे FRP आप निकाल पाओगे इस टूल से। तो हम लोग के बहुत ही खास अपडेट है फ्रेंड, ये वाला अपडेट है। तो इसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक कहाँ मिलेगा टूल में, कैसे देखने को मिलेगा, काम कैसे करना पड़ेगा, सारे कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। तो फ्रेंड, जो भी नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टूल ओपन करके। तो आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड, आप इस साइट पर आने के बाद आपको पहले मैं दिखाता हूँ डाउनलोड कहाँ से करना है। इसमें आपको आने के बाद सिंपली आपको देखने को मिल जाए, देख पा रहे हो इसमें फ्रेंड, ये जो लिखा है डाउनलोड टूल जो लिखा है इसमें, आपको इसमें से आपको डाउनलोड करना है, इसमें से आप डाउनलोड कर लेना। गूगल ड्राइव से करने से जल्दी होता है, तो मैं इससे करता हूँ, तो आप लोग भी इससे करना। तो मैं इसे डाउनलोड करके रखा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो बोल के। तो देखिए, ये टूल है, हम लोग ओपन करते हैं इसे। तो टूल को मैंने किया ओपन, अभी ओपन होएगा फ्रेंड, थोड़ा वेट कीजिए। तो फ्रेंड देख पा रहे हम लोग को जो टूल है ओपन हो गया, अभी इसे हम लोग करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, अभी ओपन हो जाएगा फ्रेंड अभी, तो थोड़ा वेट कीजिए, इसे ओपन होने दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को सारे चीज़ दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे काम करना है, फ़ोन कैसे कनेक्ट करना है, सारे कुछ मैं दिखाता हूँ। तो टूल बहुत ही बढ़िया है अनलॉक टूल, जिस इस भाई के पास अगर नहीं है, अगर पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हो, इस टूल से बहुत सारा काम निकलता है हम लोग का। तो देखिए फ्रेंड, टूल ओपन हो गया, उसके बाद आपको साइट में आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो नया अपडेट है, इसमें आपको बगल में देखने को मिल जाएगा हवाई का आपका FRP निकलना है, उसके बाद ID निकलना है, जो भी आपको काम करना है वो भी इसमें अपडेट दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर लेना है। उसके बाद नोकिया का, और तीसरा जो अपडेट है फ्रेंड, आपको मीडिया टेक का MTK यूनिवर्सल टैप में आपको जाना है, और EFS हो चाहे EMMC हो, उसका हेल्थ चेक करना है, तो आप सिंपली वन क्लिक पे कर पाओगे। उसके बाद आपको सैमसंग का अपडेट अवेलेबल है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, तो हम लोग चले जाते हैं मीडिया टेक पे, क्लिक किया मैंने, तो करने के बाद सिंपली फ्रेंड देख पा रहे हो, ये जो हम लोग का है, ये टैप जो आ चुका है, ये वाला है आपका हेल्थ चेक। तो इससे काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी काम है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी फ़ोन है, लेकिन आपको ध्यान में रखें, आपको फ़ोन आपका MT वाला होना चाहिए, मतलब MediaTek वाला चिपसेट होना चाहिए, तब जाके आप ये चेक कर पाओगी। तो अभी मेरे पास मेरा एक फ़ोन है, मैं आप लोगों को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पर किया टिक मार्क, उसके बाद देखिए इसमें डिवाइस मांग रहा है, तो हम लोग दे देते हैं एक डिवाइस। तो मेरा ही फ़ोन है, मैं आप ही कनेक्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो MediaTek के फ़ोन कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करके रखिए एक साथ, उसके बाद आप डाटा केबल लगा दीजिए, तो आपका पोर्ट बन जाएगा, लेकिन आपका PC में ड्राइवर होना चाहिए। देखिए मैंने एक फ़ोन कनेक्ट किया, एक कनेक्ट हुआ, अभी ये बोल देगा मेरा इसका हेल्थ क्या है नहीं है, सारे इस पर देखने को आ जाएगा। तो फ्रेंड देख पा रही हो, इसने कर दिया है, बहुत ही अच्छा है। EOL इस नॉर्मल है 80%, आपको जो भी इसमें हेल्थ वगैरह है सारे कुछ दिख रहा है। तो फ्रेंड अभी आपको EFI इजी अटैक का ज़रूरत नहीं है हेल्थ चेक करने के लिए, आप इस टूल से भी कर पाओगी, और एक फ्री टूल है उससे भी कर पाओगी, लेकिन इससे कर लेना, बहुत ही बढ़िया है।
तो फ्रेंड ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दिया इसका जो फ्यूचर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बोलना, और जो भी भाई नया देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।